हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। लास्ट वीक मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स बताए थे। देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स पर किस तरह का रिएक्शन दिया है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने आपको 17,965 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बताया था और आपको बताया था अगर निफ्टी इस लेवल पर ब्रेकआउट करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में 18,200 तक जा सकता है। तो मंडे को आप देख सकते हैं, मंडे को पहले इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद में इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल के अंदर सेल ट्रिगर हुआ था और यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल के अंदर ही निफ्टी का डे आई था, तो इसी को आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। और उसके बाद निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी डाउन साइड रैली देखने को मिली और उसके बाद आप देख सकते हैं मंडे को फिर से निफ्टी ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिली। और फिर ट्यूजडे को आप देख सकते हैं निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। और उसके बाद फाइनली वेडनेसडे को निफ्टी ने 18,200 के टारगेट को टच किया और आप देख सकते हैं इसी लेवल पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी डाउन साइड रैली देखने को मिली। और उसके बाद आप देख सकते हैं वेडनेसडे को निफ्टी बार बार इसी लेवल के ऊपर और नीचे क्लोजिंग दे रहा था। तो जब भी इस तरह की पैटर्न बनती है जहां पे निफ्टी एक बार ऊपर क्लोजिंग देता है, एक बार नीचे क्लोजिंग देता है और उसके बाद फिर से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उस समय आप बाकी बचे हुए वीक के लिए इस लेवल को अवॉइड करिए। मैं अपने हर वीडियोस के अंदर इस स्ट्रेटेजी को लेकर कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग करता रहूंगा। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि इन लेवल्स की मदद से किस तरह ट्रेड किया जाता है, तो आप सिंपली मेरे हर वीक के वीडियो को जरूर से देखिए। मैं हर वीक में कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करूंगा जिसकी मदद से आपको इन लेवल्स को समझने में और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं 17,965 के ऊपर निफ्टी ने अपने 18,200 के टारगेट को टच किया। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 38,200 से लेके 38,250 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बताया था और आप देख सकते हैं इसी लेवल से बैंक निफ्टी ने रिवर्स किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी में बहुत ही साफ डाउनसाइड देखने को मिली और बाद में जब इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था तो उसके बाद बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। तो मंडे को दो ट्रेड मिले और दोनों में ही प्रॉफिट मिला। उसके बाद ट्यूजडे को आप देख सकते हैं, ट्यूजडे को बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया था और यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ था, लेकिन बाद में इस ग्रीन कैंडल के अंदर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और इसी कैंडल के अंदर बैंक निफ्टी का बाय भी ट्रिगर हुआ था। और उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। और उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को बैंक निफ्टी ने किसी भी लेवल को टच नहीं किया, इसलिए कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। और उसके बाद फ्राइडे को आप देख सकते हैं, फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास सेल ट्रिगर किया और वहां से बैंक निफ्टी में एक अच्छी डाउन साइड रैली देखने को मिली। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर फ्राइडे को 1:30 PM के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो 1:30 के बाद में जो भी ट्रेड ट्रिगर होते हैं आपको सिंपली उसको अवॉइड करना है। तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं इन लेवल की मदद से हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये तो होगी प्रीवियस वीक की बात। अब देख लेते हैं आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 18,410 का लेवल, ये लेवल बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल पर ब्रेकअप करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में निफ्टी 18,650 तक चला जाएगा। और अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 18,100 के लेवल को टच करेगा। 18,100 नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो नीचे में 17,860 तक फिसल जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 18,100 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहां से रिवर्स करता है तो वापस निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 18,410 के लेवल को टच करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 18,410 का रेजिस्टेंस और 18,100 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में इन लेवल को ट्रैक करिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए 38,830 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में 39,550 को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 38,830 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो
तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 37,910 के लेवल को टच करेगा। 37,910 ये नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो बैंक निफ्टी नीचे में 37,200 के लेवल को टच करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 38,830 का रेजिस्टेंस और 37,910 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक करिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए और इन लेवल की मदद से किस समय ट्रेड करना है, किस समय ट्रेड को अवॉइड करना है, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें मैं धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ और इन लेवल्स को आपको 15 मिनट के चार्ट में प्लॉट करना है और 15 मिनट के चार्ट में ही ट्रैक करना है। और अगर आप थोड़े दिन आप इन वीडियोस को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल्स कितने परफेक्टली वर्क करते हैं और इन लेवल की मदद से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट किया जा सकता है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि ये लेवल्स 100% वर्क करेंगे और हर समय आपको प्रॉफिट देंगे। शेयर मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी के अंदर आपका रिस्क छोटा सा हो और आपको रिवॉर्ड बड़े मिलने के चांसेस हो, वो स्ट्रेटेजी हमेशा इस मार्केट के अंदर अच्छा वर्क करती है। और आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा आएगा और आपको टारगेट हमेशा बड़ा मिलेगा। और जो व्यूअर्स मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को ट्रैक कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आशा करता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकली लेवल्स मैं हर वीक वीडियोज में शेयर कर रहा हूं, इसकी मदद से आपको मार्केट को समझने में, एनालिसिस करने में और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आसानी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।